सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। मॉर्टल इंजिन्स ये एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टन रिवर्स ने। अब द हॉबिट मूवी सीरीज और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी सीरीज के ये विजुअल इफेक्ट डिजाइनर भी रह चुके हैं। अब इन दोनों ही मूवी सीरीज के विजुअल एज वेल एज स्पेशल इफेक्ट्स काफी इम्प्रेसिव थे, तो इस मूवी को भी लेकर काफी उम्मीदें थी कि इसके विजुअल एज वेल एज स्पेशल इफेक्ट्स काफी इम्प्रेसिव होंगे। मूवी की स्टोरी फ्यूचर में बहुत साल आगे सेट है, जहां पर क्वांटम जंग ने पूरी धरती को एक तरह से तबाह कर दिया है। अब जो लोग बचे हैं वो अमीर ताकतवर और गरीब और बेसहारा लोग में बट गए हैं, जहाँ पर अमीर लोग गरीब लोगों पर हमला करके धरती पर जो बचे कुछ रिसोर्सेज है उसके लिए लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई हो रही है बिल्कुल ही अलग तरीके से, क्योंकि ये जमीन पर नहीं बल्कि चलती फिरती शहर में हो रही है। अब लोग धरती पर नहीं बल्कि धरती पर चलती फिरती शहरों में रह रहे हैं। ऐसा ही एक शहर है लंदन का, जो कि एक क्रेजी जायंट व्हील पर स्थित है। आप बस इमेजिन कीजिए कि पूरे लंदन शहर को आप एक चलती फिरती गाड़ी पर रख दे अगर, तो क्या नजारा होगा। ये स्टोरी या लड़ाई बेसिकली दो गुट के बीच है। पहला तो जायंट व्हील पर बसे लंदन, जिसे हम मूवी में शिकारी शहर के नाम से जानते हैं, और दूसरा इनसे लड़ने वाले लोग जिन्हें हम विद्रोही के नाम से जानते हैं। अब इस लंदन शहर में रह रहे थैडियस वैलेंटाइन के इरादे कुछ नेक नहीं है। ये कुछ ऐसा बना रहे हैं जिससे एक बड़े से दीवार के पीछे रह रहे विद्रोही लोग एक झटके में खत्म हो जाएंगे। मगर इनके इरादों पर पानी तब फिर जाता है जब हेस्टर शॉ नाम की एक लड़की इनको जान से मारने की कोशिश करती है, जिनकी माँ का खून वैलेंटाइन ने कर दिया था जब वो बच्ची थी। इनकी माँ को मारकर वैलेंटाइन कुछ ऐसा ले लेते हैं इनकी माँ से जिससे ये कुछ खतरनाक करने वाले हैं। अब हेस्टर शॉ और विद्रोही संगठन मिलकर वैलेंटाइन को और उनके इरादों को मिलकर कैसे रोकते हैं या रोक पाते हैं भी या नहीं, कुछ यही स्टोरी है मूवी की। सो जायंट व्हील और ढेर सारे स्टनिंग विजुअल इफेक्ट से भरी ये मूवी एक्शन मूवी आपको इम्प्रेस कर पाती है या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। मुझे छोड़कर मत जाओ। चुप करो और भागो। वाकई ये करना चाहती हूँ? करना ही होगा अपनी माँ की खातिर। उसे देखते ही ऐसा लगता है कि वो एक बिन तराशा हुआ हीरा है, लेकिन वो काफी अलग है। वो बहुत खूबसूरत है, एक अजूबा है और बहुत बहुत अनोखी। मॉर्टल इंजन्स। ये मूवी ऑल ओवर इंडिया में रिलीज हुई 7 दिसंबर 2018 को, और ये रिलीज हुई इंग्लिश, हिंदी, तमिल एज वेल एज तेलुगु लैंग्वेजेस में। स्टार्टिंग में ये मूवी 3D में भी आने वाली थी, बट अगेन क्योंकि 2.0 मूवी इंडिया में रिलीज हुई है, इसके चलते इस मूवी को कोई भी 3D स्क्रीन नहीं मिला। इनफैक्ट इसे 2D स्क्रीन भी बहुत कम मिले हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये मूवी सिर्फ 2D में ही रिलीज हुई है। स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के स्क्रिप्ट मुझे काफी वीक लगी, क्योंकि मूवी में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे। हेस्टर शॉ को अपने मिशन में कामयाब होने के लिए बाकी सारे कैरेक्टर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है, और इतना ही नहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उनको सिर्फ एक्सपेक्ट करना होता है कि उनके यू नो एक्सपेक्टेशंस के अनुसार वो होंगी, और वो हो भी जाती है। That is what felt a little strange in the entire movie. In fact, movie देखते हुए एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि she is not the lead character in the movie. In fact, इस movie में कोई भी lead character नहीं है. In fact, इस पूरी movie में अगर मुझे कोई छोटी सी short story या कोई चीज पसंद आई है movie में कुछ मिनट के लिए, तो वो है हेस्टर शॉ और बचपन में उनको बचाने वाला एक मशीन के बारे में। बस इन दोनों का ही सीन आपको थोड़ा डिसेंट लगता है, और बाकी मूवी कब कहाँ जा रही है, कौन क्या करना चाहता है, यू विल बी हैविंग नो आइडिया। एना फैंग करके एक कैरेक्टर है मूवी में, जो कि हमेशा हेस्टर शॉ को बचाने की कोशिश करती है, और इस मूवी के प्रोमोज वगैरह जब मैंने देखे थे तो आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग कि ये कैरेक्टर थोड़ा यू नो डैशिंग होगा, थोड़ा एक्शन पैक्ड सीन्स होंगे, थोड़ा डेयरिंग कैरेक्टर है ये मूवी का। पर जब मैंने ये मूवी देखा, एक्चुअली आई एंडेड अप हेटिंग दैट कैरेक्टर द मोर इन द एंटायर मूवी। आई मीन एना फैंग का और उनके साथियों का सिर्फ एक ही काम होता है कि ये शिकारी लोगों से लड़े और विद्रोही लोगों को बचाए, बट आई डोंट नो समहाउ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था इन लोगों के बीच में। कौन लीड कर रहा है, कौन लीड नहीं कर रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है तो कोई कुछ करने जा रहा है, नथिंग। द स्क्रिप्ट वॉज नॉट गोइंग इन अ फ्लो कि भाई आपको ये करना है ऐसा, मतलब यू नो हेस्टर शॉ अपने में लग गई है, हेस्टर शॉ के एक तरह से बॉयफ्रेंड है वो अपने में लग गए हैं, एना फैंग एक जगह पे अपने में लग गई है, और दीवार के पीछे छुपे हुए लोग वो कुछ उनका अलग ही प्लान है। आई मीन लाइक स्टोरी वॉज कुछ यहाँ जा रहा है, कुछ वहां जा रहा है, कुछ यहाँ जा रहा है, वॉज नॉट मेकिंग एनी सेंस। ओवरऑल कहूँ तो इस मूवी की पूरी स्क्रिप्ट काफी जम्बल्ड अप थी। अगेन इस मूवी में एक आध सीन्स है जो
ठीक ठाक लगे। आई मीन लाइक कुछ सीन्स है जहां पर बीते हुए कल के छोटे से छोटे चीजों को ये लोग कैसे संभाल के रखते थे। आई मीन लाइक एक तरीके से बहुत बड़ी चीज थी उनके लिए, अगर वो टूटी फूटी होती तो भी। आई मीन लाइक एक टोस्टर हो गया वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है। और शॉकिंगली मिनियंस के दो पुतले होते हैं वो भी ये लोग संभाल के रखते हैं कि भाई नहीं नहीं संभाल के रखो, ये बहुत ही यू नो आई मीन लाइक दे आर वेरी रेयर। आई डिडंट एक्सपेक्टेड मिनियंस इन दिस मूवी बट इट वॉज स्ट्रेंज एंड फाइन, ठीक था। बट अगेन कोई मतलब नहीं था। आई मीन लाइक वॉट वेर दे ट्राइंग टू प्रूव, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। एक्शन सीन्स और विजुअल इफेक्ट्स की बात करूं तो जहां पर डेफिनेटली विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही स्टनिंग है मूवी के। आई मीन लाइक इतने ह्यूज स्केल पर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाना, पूरा शहर बसा देना उस पर, इट वॉज रियली अमेजिंग टू वॉच इट। बट वहीं पर एक्शन सीन्स अगेन आई मीन लाइक कहीं पर भी एक्शन डाल दिया है, अगेन द एक्शंस आर नॉट अप टू द पॉइंट। एक दो सीन्स है जहां पर यू नो एक बड़ा शहर एक छोटे से यू नो मशीन पर बसे शहर को चेस कर रहा है, दे आर कैप्चरिंग इट। एक दो बीच बीच में सीन्स है दैट दे आर गुड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी एक्शन सीन्स उतना इंप्रेसिव नहीं था मूवी का। तो ओवरऑल आपको थोड़े बहुत बहुत ना के बराबर एक्शन सीन्स अच्छे लगते हैं और जायंट व्हील्स पर बसे शहर के विजुअल इफेक्ट्स स्टनिंग लगते हैं। इसके अलावा मूवी आपको कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। इनफैक्ट मैंने बहुत ही मुश्किल से 2 घंटा 10 मिनट बिताया थिएटर में। आई मीन लाइक उससे अगर बड़ी ये मूवी होती तो मैं लिटरली थिएटर छोड़कर चला जाता। मैं इस मूवी को फ्रैंकली 5 रेट करने वाला था बट क्योंकि इसके विजुअल इफेक्ट्स काफी स्टनिंग थे आई विल गिव इट अ 0.5 एक्स्ट्रा ओवर देयर। सो मैं इस मूवी को ओवरऑल रेट करूंगा 5.5 out of 10। आई मीन लाइक दिस मूवी हाईली डिसअपॉइंटेड मी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम दिस मूवी। सो ये था हमारा रिव्यू मूवी मॉर्टल इंजिन्स का। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।